सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार उपायुक्त जिसान कमर के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने हेरहन थाना क्षेत्र के नवादा स्थित कुंभी खाड़ में चल रहे अवैध कोयला खदान में छापेमारी कर उत्खनन किए गए अवैध कोयले की भंडारण को जब्त किया। उन्होंने बताया कि लातेहार उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, साथ ही इस कारोबार में जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्खनन के आधार पर यह कारोबार एक दिन की नहीं है, यह कई वर्षों से चलते आ रहा है और भारी पैमाने पर यहाँ पर उत्खनन का कारोबार फल फूल रहा है, जिसकी सूचना लातेहार उपायुक्त को मिली थी तब यह कार्रवाई की गई। खनन पदाधिकारी ने बताया कि पूरे उत्खनन स्थल की मापी होने के बाद भंडारण किए गए कोयले की मापी होगी, उसके बाद शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर हेरंज अंचलाधिकारी सरवन राम ने बताया कि उपायुक्त महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और स्थल की मापी की जा रही है, इसके बाद अवैध रूप से जमा किए गए कोयले की मापी की जाएगी और शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिशन मिला था इस एरिया में कुछ अवैध माइनिंग चल रहा है, इलीगल माइनिंग, तो फिर हमारे उपायुक्त महोदय ने डायरेक्शन दिया तो यहाँ पे जो भी चल रहा है तो फाइंड आउट करो, और जब हम यहाँ पहुंचे अंचल अधिकारी और हम और फोर्थ, तो फिर यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे इलीगल माइनिंग हमें मिला है। सर इस पर कार्रवाई के नाम पर सर कार्रवाई क्या किया जा रहा है? कार्रवाई पे FIR होगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर FIR भी होगा और जितने भी तोयला है वो तारे जब्त भी होंगे। अच्छा। उतनी नीलामी भी की जाएगी नियम के अकॉर्डिंग। तो सर लगभग सर कोयले का उत्खनन लगभग कितना का यहाँ पर होगा, एवरेज सर अनुमान? इसका विषय है ना, तो अभी नापना है, तो नापा जाना है अमीन के द्वारा, देन आफ्टर फिर फाइनल।